सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें ऑल, जिसके बाद आपको मिलेगी मेरे सारे नए वीडियो अपडेट्स की नोटिफिकेशन तुरंत। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा, आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ हेवल्स की तरफ से आने वाले एक एयर हेयर स्टाइलर का रिव्यू। देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कैसा परफॉर्म करता है, किस टाइप के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए, सारा कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ टेस्टिंग भी इसी वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो के साथ स्टार्ट से तक बने रहना प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फो जानने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपको प्रोडक्ट का बॉक्स भी दिखाना जरूरी है हर बार की तरह। कुछ इस तरीके के बड़े से पर्पल कलर के बॉक्स में आता है प्रोडक्ट, देख सकते हैं यहाँ पे है सारा कुछ एक्सेसरी और हमारा एयर हेयर स्टाइलर, सब कुछ देखेंगे आगे वीडियो में। फिलहाल अभी इसको वक्त आ गया है ओपन करने का, चलिए इस बॉक्स को करते हैं ओपन और सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो एंड अनबॉक्स इट। तो चलिए सबसे पहले तो बॉक्स को ओवरव्यू करा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पर्पल कलर का बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर जो प्लास्टिक के कटआउट बने हैं वहाँ से हमारी डिवाइस सारे कुछ एक्सेसरी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एयर केयर स्टाइलर SC4085, इसका मॉडल नंबर, 2 ईयर गारंटी, होम सर्विस विद इन 24 आवर्स, जो कि हेवल्स की तरफ से ही मिलता है। बॉक्स के इस साइड पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, बॉक्स कंटेंट क्या क्या है, आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। इस साइड पर कुछ और डिटेल्स, बारकोड वगैरह हैं और ऊपर के साइड हेवल्स की ब्रांडिंग, अदर साइड भी हेवल्स की ब्रांडिंग, साथ ही साथ कुछ मेन फीचर्स आपको बता दूं। 1.8 मीटर पावर कॉर्ड, 3 टेम्परेचर सेटिंग्स, 1000 वाट इसका मैक्सिमम पावर कंजप्शन है, टेंगल फ्री स्वेवेबल कॉर्ड। बॉक्स के पीछे के साइड हेवल्स की ब्रांडिंग, एयर केयर स्टाइलर द ग्लेम पैक, और यहाँ पे एक 3D इमेज मेन प्रोडक्ट का फॉर द फैबुलस यू SC4085 मॉडल नेम, कुछ इमेजेस, कौन सा अटैचमेंट किस काम में आता है वो चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। श्रिंकेबल एंड सॉफ्ट स्मूथिंग रोलर ब्रश, 1.9 सेंटीमीटर कर्लिंग आयरन, प्री स्टाइलिंग हाफ ब्रश कॉम एंड नोजल। तो ये था सारा कुछ बॉक्स का ओवरव्यू, चलिए अभी कर लेते हैं इसे फटाफट ओपन। तो यहाँ पे बॉक्स हो गया ऑलमोस्ट ओपन, अंदर एक प्लास्टिक के कंटेनर में चीजें रखी हुई हैं, निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए सारी कुछ चीजें मैं दिखाने वाला हूँ एक एक करके। इसके नीचे हमें एक छोटा सा यूजर मैनुअल यूजर गाइड मिलता है, साथ ही साथ इसके अंदर ही हमारा गारंटी कार्ड भी है। ये देखिए पीछे के साइड, तो प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूजर मैनुअल देख सकते हैं कैसे क्या यूज करना है। तो चलिए वन बाय वन सारे अटैचमेंट और मेन डिवाइस से मिला देता हूँ। सबसे पहले स्टाइलिंग हाफ ब्रश कॉम, इसके टीथ्स काफी बड़े बड़े हैं, अंदर होल्स आपको दिख ही रहे हैं एयर फ्लो के लिए, और बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं काफी टफ है, स्ट्रांग है, थम्स अप। और जो ऊपर की ये टीथ्स लगे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, स्केल पे आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अटैचमेंट जो हमें मिला है वो है श्रिंकेबल रोलिंग ब्रश, और ये काफ़ी यूनिक स्टाइल का इसको बनाया गया है। इधर एक ट्रिगर लगाया गया है जिसको हम जब मूव करते हैं तो इसके जो टीथ्स हैं वो अंदर चले जाते हैं, जो कि आपको बाल को रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगे। ओके, नेक्स्ट अटैचमेंट है हमारा सॉफ्ट स्मूथिंग रोलर ब्रश, इसके इस्तेमाल से हम बाल को सॉफ्टली रोल करके जो भी स्टाइल देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, हाथ में अच्छा खासा वेट है। नेक्स्ट अटैचमेंट जो है वो आप देख के जान ही गए होंगे, इससे होगा बाल कर्ल, जो कि मेटल का बना है और होल्स आप देख सकते हैं जिसमें से एयर फ्लो होगा, ये भी काफ़ी स्ट्रांग और गुड क्वालिटी का लग रहा है। लास्ट अटैचमेंट इस बॉक्स में है कि नोजल, जो कि हेयर ड्रायर के आगे वाले हिस्से में लगेगा, इससे डायरेक्शनली आप एयर को थ्रो कर सकते हैं। ओके, अभी निकाल लेते हैं हमारा मेन यूनिट जो कि हमारा हेयर ड्रायर है, और फर्स्ट टाइम इसे हाथ में लेने पे बड़ा ही हल्का सा लग रहा है। बॉक्स को रखते हैं एक साइड। टोटल इतनी सारी चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर मिली थी, अभी सेपरेटली हम देख लेते हैं अपना ये हेयर स्टाइलर हेयर ड्रायर। तो जैसे कि मैंने कहा था हाथ में काफ़ी हल्का सा लग रहा है, और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यार हेवल्स के हर प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक यूज करते हैं, आप देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश है। चलिए इसका फिजिकल ओवरव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर जो ये ट्रिगर आपको दिख रहा है इससे आप हॉट और कोल्ड मूड पे इसको सेट कर सकते हैं, 3 हीटिंग सेटिंग, कोल्ड, मीडियम एंड हॉट। इसके बाद इस साइड हेवल्स की ब्रांडिंग और इधर नीचे के साइड कुछ सर्टिफिकेशन, पावर इनपुट, अदर डिटेल मेंशन है।
ओके, ये जो एक छोटी सी बटन आप पोस्ट की देख रहे हो, इसको दबा के आप अटैचमेंट को यहाँ पे कर सकते हैं लॉक, और सेफ्टी ग्रिल आगे आप देख ही सकते हैं। नीचे के साइड यहाँ पे आपको ग्रिल दिख रही होगी, जहाँ से ये हवा को अंदर सक करता है और आगे की तरफ से निकालता है। और जैसे कि मैंने बताया था, स्वेबल यहाँ पे कॉर्ड मिलता है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसके केबल्स को भी ओपन करके देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और कितनी लेंथ है। तो जैसे कि यहाँ पे प्लग आप देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छे क्वालिटी का लग रहा है, और लेंथ की बात करें तो मेरे हिसाब से 1.5 मीटर तो ये होगा ही। थम्स अप। तो चलिए फटाफट सारे कुछ अटैचमेंट आपको लगा के दिखा देते हैं कि करके। सबसे पहले ये नोजल वाला अटैचमेंट किस तरीके इसको कनेक्ट करना है, सिंपल है। इसको करना है अलाइन और ट्विस्ट कर देना है, यहाँ पे ये लॉक हो जाता है और अभी ये यूज करने के लिए रेडी है। चलिए इस प्लग को करते हैं कनेक्ट और इसको टर्न ऑन करके देखते हैं। तो जैसे इसे मैंने स्विच ऑन किया, ये टर्न ऑन हो गया है और एक बड़ी स्मूथ सी यहाँ पे साउंड आ रही है। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम ये यूज हो रहा है तो बड़ी अजीब सी स्मेल भी इससे आ रही है, मेटैलिक सी। अभी मैंने इसको कोल्ड पे कर दिया है और स्पीड को कर दिया है मैक्सिमम, ठीक ठाक एयर फ्लो लग रहा है। और अभी इसको मैंने फिर से स्विच कर दिया है हीटिंग पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे साउंड नहीं है क्योंकि ये 1000 वाट मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है। और इधर नीचे के साइड इसका मोटर वाला सेक्शन है और उसके जस्ट नीचे ये ग्रिल देखते हैं, यहाँ से ये कर रहा है हवा को अंदर सक। लो सेटिंग पे देखिए कितना ज़्यादा स्लो हो जाता है और आवाज़ भी कम हो जाती है। फिलहाल इसे करते हैं बंद और अदर अटैचमेंट को कनेक्ट करके देखते हैं। विदाउट कोई अटैचमेंट आप एयर फ्लो देखो। तो नेक्स्ट अभी हम चेक करने वाले हैं ये हेयर को कर्ल करने वाला अटैचमेंट। सेम उसी तरीके से इसको कर लेना है इंस्टॉल, कहीं भी नहीं जाएगा, अच्छे से हो जाएगा फिट। इस तरीके से इसे आप हेयर पे यूज कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट सॉफ्ट स्मूथिंग हेयर रोलर ब्रश, सेम उसी तरीके से करना है कनेक्ट। ओके, नेक्स्ट श्रिंकेबल रोलर ब्रश, इसको भी करते हैं कनेक्ट। ओके, और लास्ट में कनेक्ट कर लेते हैं हमारा कॉम्बो वाला अटैचमेंट। ये मेल्स हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा मेरे हिसाब से, आगे टेस्ट करके देखेंगे। तो टोटल इतने सारे अटैचमेंट हैं, आप जो चाहें अपने बाल के स्टाइल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हेयर थ्रो की बात करूँ तो चलिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये है यूजर मैनुअल, अभी लो सेटिंग पे है, करते हैं इसे मैक्सिमम पे। ये देखिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि एयर फ्लो कितना है। बहुत ज़्यादा पावर इसके एयर फ्लो में नहीं है क्योंकि ये बहुत हल्का से इसका मोटर छोटा सा लगा है मेरे हिसाब से, पर हेयर स्टाइलिंग के लिए शायद ये इनफ होगा। आगे देखेंगे, जैसा होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। सामने मेरी सिस्टर है और यहाँ पे आज इसी बाल पे मैं सारी कुछ टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम वेट हेयर को ड्राई करेंगे विदाउट एनी अटैचमेंट। मैं इसको हेयर पे यूज कर रहा हूँ, एयर फ्लो आप देख सकते हैं बालों पे। अभी हम नोजल वाला ये अटैचमेंट लगा के देखते हैं, जिससे आप हवा को एक डायरेक्शन दे सकते हो। इसके जरिए आप बाल को स्टाइल कर सकते हैं सेम टाइम पे ड्राई करते हुए। वीडियो को करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं ये कॉम्ब वाला अटैचमेंट, जिससे करूँगा मैं बाल को स्ट्रेट सेम टाइम पे ड्राई। एयर फ्लो इससे कितने निकल रही है ये है आपके सामने। अगेन वीडियो फास्ट फॉरवर्ड। तो फाइनली यहाँ पे बाल हो गया है ऑलमोस्ट ड्राई, काफी लंबा टाइम इसमें लगा और बाल में हल्की शाइनिंग है क्योंकि नेचुरल तरीके से बाल ड्राई हुआ है। तो नेक्स्ट मैं इस बाल को स्ट्रेट करके देखने वाला हूँ कि ये जो हेयर स्टाइल है उससे बाल हम किस हद तक स्ट्रेट कर सकते हैं। यूज करने वाला हूँ यहाँ पे एक हेयर स्ट्रेटनिंग सीरम, जो कि प्रोटेक्ट भी करता है हीट से, लिवॉन का। तो इसको बाल पे अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेना है, जितनी आपकी नीड है, जितना बड़ा आपका बाल है। अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटनिंग इस कॉम वाले अटैचमेंट से, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है यूज करने में। हेयर स्टाइलर मैक्सिमम हीट पे सेट है। तो यहाँ पे इस स्टाइलर का जो परफॉर्मेंस मैं देख पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। तो अभी कुछ इस हद तक बाल स्ट्रेट हुआ है, तो मैं फिलहाल इस बालों पे स्ट्रेट करके देखने वाला हूँ किस हद तक ये सारे अटैचमेंट यूजफुल होने वाले हैं। और इस वाले अटैचमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं बाल काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बाल को स्टाइल करने के लिए।
तो इस वाले अटैचमेंट को यूज करके अपने बाल में आप वेव दे सकते हैं या फिर उसमें वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अटैचमेंट कर्लिंग के लिए, जिसको कुछ इस तरीके से यूज करना आपने देखा ही होगा बहुत सारे स्ट्रेटनिंग आयरन में। आप इससे चाहें तो आराम से लपेट के इसके ऊपर कर्ल कर सकते हैं। हेयर्स को इसके ऊपर रोल करने के बाद थोड़ा सा वक्त इसे आपको छोड़ना होगा तो आपका हेयर यहाँ पे कर्ल होगा। फिलहाल मुझे कर्ल करना नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट तक पहुँच गए हैं। बाल जितना हो सका मैंने इस हेयर स्टाइलर से स्ट्रेट किया है, ठीक ठाक है, थम्स अप। अभी कॉम करके उलझे बाल को भी थोड़ा सा कर लेते हैं सेट और लास्ट में फाइनली देखेंगे कि कितना ज़्यादा बाल स्ट्रेट हो पाया है। वैसे मेरे सिस्टर का हेयर काफ़ी ज़्यादा कर्ली है, इतना भी जितना स्ट्रेट हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनफ है। इस टाइप के हेयर स्टाइलर में फ़ायदा ये होता है कि ये एयर के जरिए बाल को स्ट्रेट करता है या फिर स्टाइल करता है, तो आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं। तो ये था बड़े बालों में फीमेल्स के हेयर पे रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट अभी मैं इसे ट्राई करूँगा अपने हेयर पे, क्या ये मेल्स के बाल पे भी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है छोटे बालों पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटे बाल को यहाँ पे ग्रिप करने के लिए या फिर स्ट्रेट करने के लिए ज़्यादा रूम नहीं है। अगर आपके बाल की लेंथ छोटी है तो यहाँ पे इससे कुछ खास हेल्प नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे मेल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, छोटे बालों के लिए जो अटैचमेंट यूजफुल होने वाला है वो है एक ये स्मूदिंग रोलिंग ब्रश और दूसरा हमारा कॉम्ब वाला अटैचमेंट। तो यहाँ पे कुछ इस हद तक मैंने बाल को स्ट्रेट कर पाया हूँ, देख सकते हैं ठीक ठाक लुक आ गया है, पर अभी भी वेव्स हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस अगर हेयर स्ट्रेटनिंग कॉम से की जाए तो कुछ खास मुझे नहीं लगी। तो बॉयज़ के हेयर के लिए मेरे हिसाब से ये आइडियल नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है मैं फीमेल्स के लिए ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आप इंटरेस्टेड है तो हर बार की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये था सारा कुछ इस वीडियो में, शायद आपको पसंद होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके बताना, और हाँ अगर इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन फ्री है, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे लाइव चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इधर इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही है, जाके फॉलो कर लेना, मैं रिप्लाई करूंगा। तो बस फिलहाल के लिए यही था सारा कुछ इस वीडियो में, चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको रखना मना किया, सी यू अगेन, बाय बाय।